पापा लेके आए यहाँ पे, फिर मम्मी को दिखाई, मुझे नहीं पता था कि मम्मी का ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। फिर मम्मी जब हॉस्पिटल में थी, मैं देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद उसका फोन आते थे कि कहाँ पे हो, क्या है, मुझे नहीं पता था। पर मेरे फैमिली में बोलते थे कि मैं सुबह नींद से उठती थी तो नमाज पढ़ने लगती थी नींद में, मुझे नहीं पता था ऐसा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं घर से बाहर निकल के, एक दो दिन मुझे रखे समझा के पापा कि बेटा यहाँ पे रुक जाओ। मैं बोली नहीं, मेरे को यहाँ पे रुकने को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ले गए थे तो सब लोग बोलते थे ऐसा कि ये गलत है, ये चले गए थे, ले गया था कोई, तो मुझे सुनने का अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद मैं चली गई, मैं मुझे वापस चली जाऊँ ऐसा सोच के मैं कहीं वहाँ जाने के लिए निकल गई थी मैं। फिर वहाँ पे दीदी ने गिरीश भाई को फोन किया था कि वो कहीं चली गई है वापस ऐसा। फिर जाके गिरीश भाई ने, यहाँ पे सचिन स्टेशन में जाके गिरीश भाई ने मेरे को लेके आए थे। फिर वो लेके आए, फिर वहाँ से वो दीपिका भावसर करके मम्मी है, वो बोले कि यहाँ पे उसका यहाँ पे रहेगी तो वो ऐसा करेगी तो मेरे घर पे उसको भेज दो। तो उन्होंने अपने घर पे मुझे रखा हर वक्त, उन्होंने मेरे को गीता भागवत ये सब भगवान का हर चीज़ मुझे मेरा ध्यान रखे हुआ, सब कुछ पढ़ाया, मेरा बहुत ध्यान रखा उन्होंने। फिर उसके बाद वहाँ पे मैं उनके पास रुकी, फिर उन्होंने मुझे, मेरे को अच्छा लगेगा ये सोच के उन्होंने मुझे कैंप में भेजा था। मैं काफी दिन कैंप में भी रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिया, बेटा तू अच्छे से रह, गिरी जाने भी कहा तुम अच्छे से रहो, तो उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिया। आज अगर दीपिका भाव सर और गिरीश भाई और संजय मातू भागीरथी अंकल ये लोग नहीं होते तो शायद मैं आज कभी हिम्मत करके चल नहीं पाती। मैं जो भी हूँ इन लोग के सपोर्ट में हूँ। आज भी मेरे को जब ये बात आई याद आती है तो बहुत रोने लगता है। अगर ये लोग नहीं होते तो अब तक तो मैं शायद ही जिंदा रहती। मेरे यहाँ पे आने के बाद मम्मी, दीपिका मम्मी, सब गिरीश भाई ने पापा को घर पे सब करके बहुत हेल्प किया। फिर पुलिस स्टेशन भी लेके गए, उन्होंने बहुत हेल्प करवाया कि तुम क्या क्या हो रहा सच सच बोलो, ये सब बोले तो उन्होंने बहुत हेल्प किया था। तब जाके मैं आज ठीक हूँ, अच्छी हूँ, रास्ते पे चलती हूँ, तभी मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मैं यहाँ पे आने के बाद बहुत कमजोर पड़ गई थी। वो लड़के ने आपसे फिर से कांटेक्ट करने का ट्राई किया अब जब वापस नहीं गई तो? नहीं, उसने क्या, वो बड़े पापा का नंबर ये सब थे ना, उसको किसी ने दिया था। तो यहाँ पे आने के बाद जब कुछ दिन, एक एक दो दो महीने पे केस किए थे, तो एक एक दो दो महीने में कभी कभार उसका कॉल आता था। तो मैं कभी कभार गिरीश भाई को, मेरे को नहीं पता था, सिस्टर को शायद पता था, तो वो गिरीश भाई को बता देते थे कि हाँ ऐसा ऐसा कॉल आया, तो वो बोलते थे कि कोई नहीं, कोई भी नंबर आया तो मेरे को देते रहना। उसका फिर कब कॉल नहीं आता था। जब मैं यहाँ पे आके जब नमाज वगैरह पढ़ने लगी थी, फिर मुझे दीपिका मम्मी और गिरीश भाई मुझे एक जगह पे, वो मंदिर पे ले गए थे वहाँ पे। फिर उधर पंडित ने बोला था कि उन्होंने दरगाह में कुछ किया था मेरा नाम से, मेरे को ऐसा उन्होंने, उसने दरगाह में कुछ किया था ऐसा, इसीलिए ये सब हो रहा था ऐसा सब बताया।